पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अंधविश्वास के चलते इस मासूम बच्ची की हत्या की गई। अंधविश्वास की भेंट मासूम बच्ची चढ़ गई है। अंधविश्वास में हत्या का पुलिस ने दावा किया है। टोने टोटके के चक्कर में बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की गई। संतान प्राप्ति के चक्कर में इस मासूम बच्ची की जान ले ली गई। पड़ोसी दंपति ने भतीजों के साथ मिलकर के हत्या को अंजाम दिया और बच्ची का कलेजा लाने के लिए पैसे दिए गए थे। निसंतान दंपत्ति ने यह टोटका आजमाया था। आरोपी दंपत्ति बच्ची के ऑर्गन्स खा गए थे। दो भतीजों ने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसके साथ उसके रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दरिंदों ने चाकू से बच्ची के ऑर्गन्स निकाले थे। मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें यहां पर पार कर दी गई है। राधमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव का मामला है। पीड़ित परिवार है, उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के दो लोग हैं, दो लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। उनको संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ये घटना किया है और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे। पाटनपुर में भद्रस में बच्ची की हत्या का ये पूरा मामला है जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने परिवार वालों से बातचीत की है। फोन पर संजय सिंह ने परिवार वालों से बातचीत की है और हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन उन्होंने दिया है। आप कार्यकर्ताओं ने मोबाइल से बातचीत करवाई है। जो हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं संजय सिंह द्वारा, उनसे बात कराने के लिए परिजनों से बोला गया मुझे, तो मैंने उनसे बात कराई है और हर संभव मदद की। उनसे बोला कि हर संभव मदद आपको मिलेगी और मैं सरकार से भी यही चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक के जरिए इनको, जो भी इनके दोषी हैं, उनको पकड़ कर तुरंत जो है सजा मिलनी चाहिए। और अब खबर बलिया से है जहां पर दलित युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। चाकू से हमला कर दलित युवक की हत्या की गई। गुंडे ने चाचा और भतीजे पर